बिहार बोर्ड ने अपना कंपार्टमेंटल रिजल्ट में आप लोगों के साथ धोखा किया है। क्या धोखा किया है वो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप लोग जब वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का वीडियो कृपया करके पूरा देख लीजिए तभी समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डॉट्स? तो 5 सेकंड में डॉट नोट के साथ करो उसे आउट। बस अपने सवाल का फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT-JEE नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे डॉपनट ऐप पर। इसके साथ ही डॉपनट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन क्लासेज, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डॉपनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोग को 2-3 रिजल्ट दिखाऊंगा, आप लोग जो है वो रिजल्ट आप लोग देख लीजिए और गौर कीजिए। अगर आप लोग को भी यह रिजल्ट देखना है तो आप लोग जो है इसका रोल कोड और रोल नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो है सामने में रोल कोड इसका दिया गया है और रोल नंबर जो है दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसका देख सकते हैं। इसका देख सकते हैं किस में क्रॉस लगा हुआ था, तो इसका जो है फिजिक्स में भी लगा हुआ था और केमिस्ट्री में। तो इसको जो है फिजिक्स में 5 मार्क मिला है और केमिस्ट्री में जो है 6 मार्क मिला है, यानी कि कुल टोटल 11 मार्क इसको ग्रेस देकर पास कर दिया गया है। उसके बाद उसके नीचे मैं एक और लड़के का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, लड़की का रिजल्ट है, देख सकते हैं इसका जो है रोल कोड ये है और रोल नंबर ये है, आप लोग भी जो है सर्च करके देख सकते हैं। इसका देख सकते हैं प्रैक्टिकल में कितना मार्क दिया गया है, तो प्रैक्टिकल में नहीं, इसका जो है कितना ग्रेस मार्क दिया गया है कंपार्टमेंटल में वो मैं आप लोग को दिखा दूँ, तो देख सकते हैं इसका 10 मार्क ग्रेस दिया गया है एक ही विषय में, सिर्फ इसको जो है कितना मार्क दिया गया है 10 मार्क। अगर एक विषय में 10 मार्क दिया गया है तो इसके हिसाब से क्या हो जाता है, अगर 2 विषय में देता तो 2 विषय में 20 मार्क हो जाता है, बट यहाँ पर जो है इसको जो है एक ही विषय में क्रॉस लगा था तो इसको जो है 10 मार्क दिया गया है। उसके बाद एक और रिजल्ट मैं दिखा दे रहा हूँ, यह देख लीजिए, यह रिजल्ट जो है आप लोग को दिख रहा है। आप लोग जो वीडियो का अंत तक देखिए, वीडियो को बहुत ही बड़ी नॉलेजेबल वीडियो है और थोड़ा सा भी लाइक वीडियो जो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो क्या धोखा किया गया है उसके साथ। देखिए उसके बाद जो है रोल कोड इसका भी देख लीजिए और रोल नंबर इसका आप लोग देख सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या दिया गया है देख सकते हैं। इसको जो है इंग्लिश में कितने मार्क की ज़रूरत थी, 12 मार्क की ज़रूरत थी, 30 अंक चाहिए था पास होने के लिए, और जो है इसको जो है ज्योग्राफी में भी फेल कर दिया गया, तो ज्योग्राफी में कितना मार्क चाहिए था, तो इसको 4 अंक चाहिए था, मतलब 4 इसमें चाहिए था और 12 इसमें चाहिए था, तो इसको जोड़ के कितना हो गया, 16 हो गया। 16 मार्क जो है बिहार बोर्ड ने नहीं दिया है, 16 मार्क जो है बिहार बोर्ड ने नहीं दिया है। और उस लड़की में देखे थे आप लोग जो है 10 मार्क दिया गया है एक ही विषय में, तो यानी कि डबल विषय में 20 मार्क हो जाता है, इसके हिसाब से जो है इनको भी पास कर देना चाहिए था, बट इसको जो है फेल कर दिया गया है। उसके नीचे आप लोग नोटिस में देख लीजिए क्या सब लिखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, उपरोक्त परिस्थिति में छात्र इसके मद्देनजर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक परीक्षा 2021 में 1 या 2 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपवाद स्वरूप कुछ अतिरिक्त ग्रेस अंक देकर उत्तीर्ण करने की समिति प्रस्ताव ने सहमति प्रदान की है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1 या 2 विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपवाद स्वरूप कुछ अंक देकर जो है उसे पास कर दिया गया जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी बिहार बोर्ड ने नहीं किया है। बिहार बोर्ड ने बहुत बड़ी धोखा किया है स्टूडेंट के साथ, किसी को पास कर दिया है, किसी को फेल कर दिया है, किसी का रिज़ल्ट ही नहीं बदला है, सेम टू सेम रिज़ल्ट रह गया है। और जो है अगर एग्ज़ाम ले लेता, अगर एग्ज़ाम ले लेता तो आप लोग को पास होने का बहुत ही ज़्यादा चांस था, 90% चांस था, इसलिए क्योंकि आप लोग जो है पढ़ के जाते तो पास भी हो जाते, बट यहाँ पे जो है पास करके भी जो है बिहार सरकार ने जो है बहुत बड़ी गलती की है, इस जो है यह जो है स्टूडेंट के साथ धोखा किया है। क्या आप लोग देख लिए क्या धोखा किया है, किसी को जो है 10 मार्क एक विषय में बढ़ा दिया है, किसी को जो है 16 मार्क चाहिए था, 2 विषय लगा के उसको उतना भी नहीं दे पाया है, मतलब जरासर धोखाधड़ी किया गया है स्टूडेंट के साथ। तो यही धोखाधड़ी आप लोग को जो है अच्छा लगा होगा वीडियो, जो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए जिससे यह वीडियो फैल जाना चाहिए। देखिए इतना बड़ा धोखाधड़ी, और यह कंपार्टमेंटल का फॉर्म सभी स्टूडेंट ने भरा था, यह जो है देख रहे हैं तीनों स्टूडेंट ने भरा था, ये नहीं है जो स्टूडेंट सब नहीं भरा हुआ था। इसका जो है 3रे नंबर का जो है जिसका जो है नहीं दिया गया मार्क, ये मेरे पास कमेंट भी किए थे, इससे जो है मेरा व्हाट्सअप पर चैट भी हुआ था और इसने बताया था जो हम जो है हमको जो है यह जो है फॉर्म भी भेजे हुए थे, जो उसका जो है रिसीविंग जो
जो इसको मिला हुआ था फॉर्म भर के, वो भी से हमको सेंड किए हुए थे, तो मैंने देखा था खुद अपने आँखों से इसको जो है, यह जो है फॉर्म भरा था कंपार्टमेंटल का बस, बट इसका भी मार्क नहीं बढ़ाया गया। पता नहीं बिहार बोर्ड किस रूल से मार्क बढ़ाया है और किस रूल से नहीं बढ़ाया है, किसी को पता नहीं चल रहा है। और जो है बिहार बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा बिहार बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए आप लोग, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।